टॉपिक है। देखो ये आज का जो विषय है वो है सिटीजनशिप या नागरिकता। ठीक है, आप किसके कि कहाँ के नागरिक हैं? आप कहाँ के नागरिक हैं? सिटीजन कहाँ के हो तुम? कनाडा के? इंडिया के। तो देखो सिटीजनशिप जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये टॉपिक हमारा तब मैंने बीच में छोड़ा था क्योंकि मुझे ये था कि ये बहुत छोटा टॉपिक है, इसमें एक दिन लगेगा हमको कवर करने में, कुछ ज्यादा बात करने के लिए है नहीं। बट तुम्हें याद रखना है कि आर्टिकल 5 से लेके 11 तक जो है हमारे अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इंडिया ग्रांट्स ओनली सिंगल सिटीजनशिप, नो डबल सिटीजनशिप। तुमको पता है कि इंडिया में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है, वेयर इज इन यूएसए देयर इज अ डबल सिटीजनशिप। यूएस में कैसे है डबल सिटीजनशिप पता है तुम्हें? एक तो वो यूएसए का सिटीजन है और उसके साथ साथ वो न्यूयॉर्क का भी सिटीजन है, जिस स्टेट का वो है ना वहां का भी वो सिटीजन है। फॉर इंस्टेंस समवन बिलोंग्स टू ओहाइयो, तो वो ओहाइयो का भी सिटीजन है और वो यूएस का भी सिटीजन है। ठीक है, उनके यहाँ पे हमारे जैसा नहीं है कि ऑल ओवर इंडिया आप किसी भी राज्य में चले जाओ आप सिटीजन ऑफ इंडिया ही रहोगे। आप कह तो दोगे कि हम रहने वाले यूपी के हैं, लेकिन आप ये नहीं कहोगे कि मैं यूपी का सिटीजन हूँ। क्या कहते हो कभी कि भाई मैं तो यूपी का सिटीजन हूँ या मैं तो जम्मू कश्मीर का सिटीजन हूँ, ऐसा कभी कोई कहता है? नहीं, नागरिकता आपके पास इंडिया की ही रहेगी और आपके पासपोर्ट पर जो नाम लिखा रहेगा वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया ही लिखा रहता है। ठीक है, आप अगर किसी और स्टेट का आप अपने आप को मानते हैं तो आपको सिटीजनशिप ग्रांट भी नहीं की जाएगी। ठीक है, तो सिटीजनशिप के बारे में देखो बेटा, पहले हमारे यहाँ पे क्या था, कोई इलेबोरेट प्रोविजन नहीं थे इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई इलेबोरेट प्रोविजन नहीं था, सिर्फ आर्टिकल 5 से 11 इसके बारे में बात करता था और कुछ प्रोविजन के बारे में बात करता था। बट इस एक्ट ने या इन आर्टिकल ने पार्लियामेंट को एम्पावर किया, पार्लियामेंट एम्पावर्ड टू मेक लॉ। मतलब पार्लियामेंट क्या कर सकती है, कोई भी लॉ बना सकती है इन रिगार्ड टू सिटीजनशिप। ठीक है, और इस रिगार्ड में फिर पार्लियामेंट ने कुछ लॉज बनाए हैं, जैसे कि बेटा सिटीजनशिप एक्ट 1955, सिटीजनशिप सिटीजनशिप एक्ट 1955। और ये 1955 बहुत सारे अमेंडमेंट के बाद, इसमें एक 1957 में भी इसमें अमेंडमेंट हुआ है, इसमें 1960 में, 85 में, 60s में, 85, और बहुत सारे इसमें अमेंडमेंट हुए हैं टिल 2015। और रीसेंट अमेंडमेंट कौन सा हुआ है बेटा? अभी रीसेंट एक अमेंडमेंट हुआ था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, कौन सा? CAA। CAA पर बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे रायट्स भी हुए हैं बेटा, क्योंकि CAA में एक प्रोविजन ऐड हो गया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2020। और इस जो अमेंडमेंट एक्ट था इसकी वजह से रायट भी हुए थे। पता था तुम्हें दिल्ली में रायट हुए हैं 2020 में, शाहीन बाग में कुछ लोग धरने पे बैठे थे, पता है तुम्हें? कुछ तो पता होगा। CAA क्या था, क्यों उसमें इतना प्रोटेस्ट हुआ था CAA के बारे में 2020 में दिल्ली में, और नॉर्थ और ईस्ट दिल्ली में रायट भी हुए थे, पता है तुम्हें? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, इस एक्ट में ये था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार, ठीक है, और कुछ कंट्रीज जो है इनसे आए हुए जो सिटीजन है, कौन से सिटीजन है?
वहां से जो परसिक्यूटेड हिंदूज हैं, परसिक्यूटेड बुद्धिस्ट हैं, परसिक्यूटेड जैन्स और सिक्स, उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। सिर्फ एक उसमें सेक्शन उन्होंने एक्सक्लूड कर रखा था, दैट इज मुस्लिम, और ड्यू टू दैट मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया आउटरेज, एंड आफ्टर दैट सम फ्यू, नॉट ऑल, फ्यू मुस्लिम पॉपुलेशन स्टार्ट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द सीए कि व्हाई यू एक्सक्लूड मुस्लिम इन दिस पर्टिकुलर एक्ट। ठीक है, तो उसमें फिर अमेंडमेंट एक्ट में बहुत ज्यादा, लेकिन पता है उसमें मैं तुम लोगों को एक वो कर देती हूँ, क्लैरिफिकेशन जिसे कहते हैं, व्हाट इज द क्लैरिफिकेशन, व्हाई इस एक्ट को किसी ने ठीक से समझा तक नहीं, और इसके पीछे पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो गई और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था। लोगों को इस बात को समझने की जरूरत है। बेटा जब मैंने बताया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 आया था, तो 1955 के तहत किसी को भी सिटीजनशिप मिल जाएगी, किसी को, जैसे कि इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, 1955 जो है ये दे देगा सिटीजनशिप। लेकिन सीए 2020 में क्या प्रोविजन था पता है किसी को? तो मैं प्रोविजन बता देती हूँ, क्योंकि प्रोविजन ही इसकी जड़ है। इसमें क्या था, इस एक्ट के तहत सीए 2020 के 31 दिसंबर 2014 इसकी जो डेट रखी थी, 31 दिसंबर 2014 रखी थी, इसका था कि पीपल हु माइग्रेटेड और बिलोंग टू सिक्स रिलीजन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन एंड हिंदू, हु इलीगली माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश 31 दिसंबर 2014, उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, तो इसमें बेटा एक डेट बताई गई है 31 दिसंबर 2014। ठीक है, इट मींस क्या है कि अभी ये रीसेंट वाला था कि इस डेट के तहत जो भी परसिक्यूटेड माइग्रेंट्स हैं, इलीगली पाकिस्तान से आए हैं, अफगानिस्तान से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, जो कि जैन है या हिंदूज है या सिख्स है या पार्शियंस है, तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, तो इसमें डेट दे रखी थी 31 दिसंबर 2014, इस डेट तक। ठीक है, इस डेट तक जो भी आए होंगे, तो इस चीज को बाकी कुछ लोगों को मिसइंटरप्रेटेड करके बता दिया गया, और मोस्टली मुस्लिम पॉपुलेशन को मिसइंटरप्रेटेड करके बता दिया कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो आएगी तो उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ये रिसेंट का था। बेसिकली क्या हो रहा था उस समय, जो हमारे यहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन है, क्रिश्चियन पॉपुलेशन है इन पाकिस्तान और अफगानिस्तान, वो सब माइनॉरिटीज में है। पता है तुम्हें माइनॉरिटीज मतलब क्या, कि उनकी पॉपुलेशन वहाँ पे कम है। ठीक है, मेजोरिटी में पॉपुलेशन क्या है, मुस्लिम। परसिक्यूशन वहाँ पे मुस्लिम्स का नहीं हो रहा है, वहाँ पे जो माइनॉरिटीज में पॉपुलेशन है उनका परसिक्यूशन हो रहा था, और दैट्स वाई ये वाला एक्ट लाया गया था। ठीक है, और इसको बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज करके दिखाया गया। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो 1955 के हिसाब से जो प्रोविजन है बेटा, उन आर्टिकल को अभी याद रखना बहुत अच्छे से, इसको एक एक आर्टिकल को हम करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आर्टिकल 5 किसके बारे में बात करता है, हम ऐसे ही करेंगे, 5, आर्टिकल 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, इनके बारे में आज बात कर लेते हैं और फिर इनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पांच, छह, सात और ग्यारह, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 5 पढ़ना चाहिए तुम लोगों को, पता तो होना चाहिए कि आर्टिकल 5 किस बारे में बात करता है।
अ पर्सन हु हैड हिज डोमिसाइल इन इंडिया एंड ऑल्सो फुलफिल्ड एनी वन ऑफ द थ्री कंडीशन. हमारे यहाँ पे बेटा जन्म से मिलती है किसी को नागरिकता, मिलती है नहीं मिलती है? क्यों नहीं मिलती? जो इंडिया में बोर्न हुआ है, जिसका जन्म यहाँ पे हुआ है, वो इंडिया का नागरिक है. ठीक है, तो आर्टिकल 5 किसकी बात है? तो यहाँ जन्म ऐसे ही थोड़ी हो गया होगा आसमान से, हॉस्पिटल में रजिस्टर वगैरह हुआ होगा, कुछ डॉक्टर के यहाँ पे कुछ ना कुछ वो हुआ होगा. तो डिपोर्ट कर देते हैं फिर, तुम्हें पता है डिपोर्ट भी कर देते हैं. वैसे ही थी आप, क्या गुस्से में आ गई है एनआईए, तुम्हें पता है एनआईए बहुत गुस्से में है. पंजाब में जितने भी खालिस्तानी आउटफिट के लोग है ना, उनकी प्रॉपर्टी सीज हो गई है इंडिया में. कनाडा ने एलिगेशन लगाए है, पहली बात तो एलिगेशन लगाए है, सच है झूठे उनके पास सबूत नहीं है. दूसरी बात, आप एलिगेशन लगा रहे हैं, एलिगेशन लगाने से पहले कुछ ऐसा कर दो कि एलिगेशन लगे तो थोड़ा लगे भी कि हाँ हमने कुछ किया है. एनआईए ने प्रॉपर्टी सीज कर दी है, तो ऐसा है अगर ऐसा कुछ होता है डिपोर्ट कर दिया जाता है, एंट्री नहीं मिलती उनको. तो मैं बताइए, तुमने देखा होगा बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ, रोहिंग्यास बहुत सारे डिपोर्ट किए गए थे, हमारे यहाँ एंट्री नहीं है. इस तरह से सिक्योरिटी कंसर्न भी तो है भाई, कोई जासूस भेजते हैं हमारे यहाँ पे. तो आर्टिकल 5 कहता है कि बेटा जो पर्सन डोमिसाइल है इन इंडिया में, मतलब उसका मूल निवास इंडिया है, और वो कोई कंडीशन फुलफिल करता है, इट मींस के उसका जन्म यहाँ पर हुआ हो, या उसके किसी पेरेंट्स का जन्म यहाँ पर हुआ है, या वो 5 साल तक यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के साथ साथ 5 साल से वो यहाँ रह रहा हो, तो उसको भारत की सिटीजनशिप मिल जाएगी. आर्टिकल 6 बात करता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान. राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स who have migrated from Pakistan. पार्टीशन बताया तुमको, पार्टीशन हुआ था बेटा, तो इश्यू ये आ रहा था कि सिटीजनशिप कैसे दी जाएगी. तो ये वाला जो क्लोज है 6 वाला, आर्टिकल 6 जो ये डील करता है उस वाली प्रॉब्लम के साथ. ठीक है, पहले पहले तो तुम याद रखोगे कि आर्टिकल 5 जो है वो नेचुरल जो कंडीशन है सिटीजनशिप की वो फुलफिल करता है. जैसे कि कैसे, जन्म से, भाई जिस बच्चे का जन्म यहाँ पर हुआ है, एक तो वो, और या फिर उसका किसी एक पेरेंट्स का यहाँ पर जन्म हुआ हो, या माता का हो या पिता का हो, तो वो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन है. ठीक है, हालांकि ये बात अलग है, ऐसा मत कहना कि ऋषि सुनक इंडियन सिटीजन है, नहीं, उनका जन्म भी ब्रिटेन में हुआ, वो रहे भी ब्रिटेन में है, और उनके पास जो नागरिकता है वो भी ब्रिटेन की ही है. ठीक है, बट ही इज इंडियन, व्हाई? बिकॉज उनके पेरेंट्स इंडियन थे, पर नागरिकता उनके पास यहाँ की नहीं है, बट स्टिल ही इज इंडियन. क्यों? क्योंकि जहाँ पर उनके पेरेंट्स का जन्म हुआ है वो क्या है? इंडिया. तो ये भी चीज याद रखना. तो आर्टिकल 6 किसकी बात करता है? राइट ऑफ सिटीजन ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान. तो इसकी जो रूट्स हैं इस वाले एक्ट की कहां पर है? पार्टीशंस में. जब पार्टीशन हुआ था बेसिकली, तो बेटा चॉइस दे दी गई थी यहाँ के सिटीजन को कि आप पाकिस्तान जा सकते हैं, जाना चाहें तो, और या फिर आप इंडिया में भी रह सकते हैं. दोनों जगह की चॉइस थी. तो जो लोग बाद में, जिनको रियलाइज हुआ, दो तरह के लोग थे बेटा. एक तो जो पाकिस्तान चले गए थे और उन्हें लगा कि नहीं, इंडिया चले जाना चाहिए, हम नहीं रह सकते यहाँ पे, एक तो वो,
और एक उस एरिया में जो रह रहे थे, और जिनका ये था कि वो अपना उधर से घर वगैरह अपना जो जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ के इधर आए हैं, उनको तो उनको जब भी तो सिटीजनशिप देनी थी, तो उनके लिए आर्टिकल 6 बात करता है। ठीक है, अब आर्टिकल 6 क्या कहता है इसके बारे में देखो। अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान बिकम एन इंडियन सिटीजन इफ ही और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। अब इसमें क्या क्लोज है, ये बात, ये चीज देखो कि कोई भी अगर पाकिस्तान से आएगा तो उसको सिटीजनशिप नहीं दी गई थी। किसको दी गई थी? ये जो पर्सन पाकिस्तान से आया है उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में उनका जन्म हुआ हो, मतलब वो पहले इंडिया के अनडिवाइडेड इंडिया में रहने वाले हो। अनडिवाइडेड मतलब कब? जिनका जन्म पार्टीशन से पहले हुआ हो, ठीक है, उस पर्सन को सिटीजनशिप दे दी जाएगी। ठीक है, उस पर्सन को सिटीजनशिप दे दी जाएगी। और इसकी डेट उन्होंने लिखी थी, कितनी डेट तक बताया था? बिफोर 19 जुलाई 1948। ठीक है, 19 जुलाई 1948 से पहले पहले तक का उनका रिकॉर्ड होना चाहिए, उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लोज क्या कहता है? नेक्स्ट क्लोज है आर्टिकल 7, और आर्टिकल 7 बात करता है कि राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, राइट ऑफ सिटीजनशिप टू सर्टेन माइग्रेंट्स ऑफ पाकिस्तान। माइग्रेंट्स ऑफ पाकिस्तान, तीनों में अंतर समझना। इस वाले में क्या कह रहा है कि वो बंदा पाकिस्तान का है, पाकिस्तान में चला गया और वहीं का है, उसको कैसे मिलेगी? ठीक है, वो यहाँ पर लेगा, अब नहीं दे सकते किसी को सिटीजनशिप। ये तभी का था बेटा जब पार्टीशन हो गया था और कुछ अनसर्टेनिटीज थी। ठीक है, इसमें ये क्लोज है कि जो बंदा 1 मार्च 1947 इसमें लिखा है, द पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया, माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया आफ्टर मार्च 1947, इसमें डेट में लिखा गया है कि जो पर्सन इंडिया से पाकिस्तान चला गया है 1 मार्च 1947 के बाद, उस पर्सन को भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि वो 6 महीने तक यहाँ पर रहना चाहिए। वो उसे कैसे मिलेगी? रजिस्ट्रेशन के थ्रू मिलेगी। 6 महीने तक तो पहले यहाँ का रेजिडेंट दिखा दे कि वो यहाँ पर रहा है 6 महीने तक, उसके बाद बाय रजिस्ट्रेशन उसको मिल जाएगी। बट हमारे यहाँ मिल जाती रजिस्ट्रेशन से तुमको बताइए, बट अब नहीं दे सकते सबको, अब आगे और सब मांगने लगे तो ऑलरेडी वी आर मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर सभी को नागरिकता दे देंगे तो मोस्ट पॉपुलेशन पॉपुलेटेड कंट्री इन द यूनिवर्स हो जाएंगे हम। ठीक है, तो ऑलरेडी ग्लोब में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अपनी है, अब नहीं दे सकते। अब क्या है, ये क्लोज बेटा सभी के लिए बनाएगा। ठीक है, एक ये हो गया। अब इसके बाद आता है आर्टिकल 8। अब आर्टिकल 8 क्या बात करता है? राइट ऑफ सिटीजनशिप फॉर सर्टेन पर्सन इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया के आउटसाइड में रिसाइड कर रहे हैं, ये उनके लिए है, उनको भी दी जा सकती है सिटीजनशिप। तो स्टार्टिंग से देखो, फिलहाल बस ये 4 आर्टिकल तुम लोगों को याद रख रहे हैं, 9, 10 और 11 कल कंप्लीट कर लेंगे। 4 में कौन कौन से? एक तो 5वां तो नेचुरली है कि जो पर्सन नेचुरली जिसका बर्न यहाँ पर हुआ है, मतलब जिसका बर्थ भी यहाँ पर हुआ है, उसके किसी पेरेंट्स का बर्थ यहाँ पर हुआ है, तो उसे नेचुरली जो है इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी।
नेक्स्ट वाले में है कि कुछ जो सिटीजन सर्टेन माइग्रेंट्स हैं जो पाकिस्तान से इंडिया आए हैं 19 जुलाई 1948 से पहले, उनको भी नागरिकता दी जा सकती है, लेकिन शर्त यह है कि उनके कोई पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स हमारे यहाँ पर उनका जन्म हुआ हो अनडिवाइडेड इंडिया में, मतलब बिफोर पार्टीशन उनका यहाँ पर अगर जन्म हुआ है और उनके वो यहाँ से माइग्रेट कर गए थे और वापिस इंडिया में आ गए हैं तो उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। नेक्स्ट में है राइट ऑफ सिटीजनशिप टू सर्टेन माइग्रेंट्स। तो जो माइग्रेंट्स 1 मार्च 1947 के बाद में पाकिस्तान चले गए थे और वहां से अब वो इंडिया आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनको नागरिकता मिल जाए, तो उन्हें बाय रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी, लेकिन शर्त क्या है कि बेटा वो 6 मंथ यानी कि 6 महीने यहाँ पे रिसाइड करेंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे वो 6 मंथ रिसाइड करेंगे, उसके बाद उनको मिलेगा बाय द रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इसमें ये क्लोज है। और फिर हम बात करेंगे आर्टिकल 9, 10 और 11 के बारे में कल, और फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे कैसे सिटीजनशिप मिलती है। तो सिटीजनशिप मिलती है बेटा बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन। ये तुम्हें जानना जरूरी है क्योंकि कभी किसी को दिलवानी हो तो बता दे, दिलवानी क्या तुम क्या ही दिलवाओगे किसी को, कैनेडा वालों को तो आना मना हो गया, ठीक है, तो कर लेना बेटा। थैंक यू। ठीक है कर, इसको तुम भी देख लेना, बिकॉज हो सकता है तुम्हारे सेमेस्टर एग्जाम में ये टॉपिक हो तो आएगा, और मैं सारा कवर करा ही दूंगी तुम्हारा।